हेलो बच्चा बड़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम का जो है ना मन लगा करके अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 के लिए, जहां आपको ये पार्ट 7 वीडियो है। तो इससे पहले हम पार्ट 6 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पार्ट 6 मतलब ये हो गया आपके पास 60 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम एक सीरीज लेकर के आए, जहां हम आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास कहाँ करना है आपको, सॉरी क्लास में नहीं जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स दिस वन सॉरी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बराबर ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो डिटर्मिनेंट का क्या रूल है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, यहां देखिए हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं एकदम इजी वे में, सबको समझ में आएगा। तो 6 इंटू दिस वन, तो 6 इंटू कितना 1 माइनस एक्स, उसके बीच में माइनस का साइन होता है और ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो 18 को दूसरे करोगे तो कितना हो गया 36 हो गया, बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दीजिए, फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 6 से करोगे कितना हो जाएगा 36, बीच में माइनस साइन दीजिए, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे 18 को दूसरे करोगे तो ये भी हो गया 36, है ना। चलिए इधर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो कट गया तो माइनस 36 बराबर 0, है ना। 6 रहने दो, 1 माइनस एक्स इधर गया, ये भी कितना हो गया प्लस 36, इसको इसको काट दीजिए, 6 से कट गया तो 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 6, तो माइनस एक्स बराबर 6 ये उधर गया तो माइनस 1, तो माइनस एक्स बराबर कितना इधर से 5, तो x बराबर कितना हो गया देखो तो माइनस 5, x बराबर देखो ना माइनस 5। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए फोर अनिता, बी फोर बबीता, सी फोर चंपा और डी फोर दौली, कौन सा होगा, चंपा, सी नंबर है हमारी, ठीक ठीक है। एक मिनट, क्या दिख रहा है आप लोग को, जी ब्लू पेन से दिख रहा है, चलो ब्लैक से ही लिखते हैं, विजिबिलिटी ब्लू का थोड़ा कम है, ठीक है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन में, इफ इसको 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 देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं ओमेगा, इसको क्या पढ़ते हैं ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ये ओमेगा है, इज ए नॉन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 1। इसका मतलब पहले समझिए कि 1 प्लस कितना है 62 नंबर में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वाला आपके पास क्या दिया हुआ है, इधर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो आ जाओ इधर लिखते हैं हम डिटरमिनेंट कितना है, यहाँ देखो 1, उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर है ओमेगा, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, इधर है ओमेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, क्या कर दिए इसमें R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 पता है ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया हमारा रो 2 और ये हो गया हमारा रो 3, है ना। तो चलो सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ करोगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, तो हम एक ही बार में इसको सही से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी करेंगे इसको इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब बाकी जो जैसे है इसको आप वैसे ही लिख दीजिए, है ना। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 0 0, यहाँ हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और इधर ओमेगा। डिटर्मिनेंट का रूल है कि अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम्स का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उसका पूरा वैल्यू 0, ये क्या है पूरा ऊपर वाला 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू होगा क्या 0, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 62 में अनीता बबीता चंपा डॉली, कौन सा बबीता मारो, ठीक बबीता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें 63 नंबर में, ये डिटर्मिनेंट बराबर दिस वन मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑप्शन में कहता है ए बी सी, बी में कहता है 0, सी में कहता है ए प्लस बी प्लस सी और डी में कहता है नन ऑफ दिस। इसके लिए आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
तो चलो बच्चा लोग, अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने लिख लिया है, ये क्या है आपका डिटरमिनेंट का साइन है। तो देखिए इधर वाला ये हो गया हमारा कॉलम वन, ये हो गया हमारा कॉलम टू, ये हो गया हमारा कॉलम थ्री, है ना। तो हम क्या करते हैं C2 में C3 को ऐड करते हैं। तो C2 में हमने करा ऑपरेशन C2 प्लस C3, ठीक है ना। अगर डिटरमिनेंट में किसी को दिक्कत हो रहा है तो डिटरमिनेंट का हम एक एक क्वेश्चन पूरा बेसिक हम कराए हुए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आरएस अग्रवाल इसके नाम से मिलेगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो वहां पहले बेसिक को समझिए अच्छे से। तो जी जिसमें ऑपरेशन करेंगे वही चेंज होगा, बाकी कोई भी कॉलम चेंज नहीं होगा। तो वन 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 जैसे इसको वैसे लिख दीजिए। C2 में C3 जोड़ना था, A में करोगे इसको ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ B प्लस सी प्लस A को एक ही बार में A प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख दिए। यहाँ पे C प्लस A प्लस बी करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, और ये जैसे है इसको वैसे लीजिए, B प्लस सी प्लस A प्लस बी, है ना। अब यहाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी तीनों में है, कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ क्या बचेगा वन वन वन, यहाँ वन वन वन, यहाँ बचेगा बी प्लस सी, C प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ क्या देख रहे हो, कॉलम वन और कॉलम टू क्या बराबर है, तो C1 वन बराबर कितना C2। और डिटरमिनेंट का नियम है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाएगा तो उसका सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन इसका जीरो वाला, कौन सा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए 64 नंबर में है, इफ सेवन एंड टू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ये डिटर्मिनाट है आपका, ये क्या हमारा डिटर्मिनाट इक्वल्स टू जीरो। तो कहता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड रूट क्या आएगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव पर्पज से सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी तरीका है, यहां देखिए यहां पर क्या दिया हुआ आपके पास एक्स टू सेवन, उसके बाद टू एक्स और इधर कितना है टू, उसके बाद है सेवन सिक्स और इधर कितना है x है, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं हम x के जगह ये ऑप्शन सब पुट करके देखो, जिस ऑप्शन को पुट करने से वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वही इसका थर्ड रूट होगा। तो ऑप्शन ए क्या है माइनस नाइन, तो चलो इसमें पहले पुट करके देखते हैं, पुट x बराबर कितना माइनस नाइन, यहाँ कितना माइनस नाइन टू सेवन, यहाँ हुआ टू माइनस नाइन और टू, यहाँ कितना हुआ सेवन सिक्स और माइनस नाइन, है ना, ठीक है। यहाँ सिक्स है जी, ऊपर में थ्री है, सॉरी सॉरी एक्स टू थ्री, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, है ना, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये है हमारा क्या आर वन, ये है हमारा आर टू, ये है हमारा आर थ्री। तो आर वन में हमने ऑपरेशन किया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो कितना होगा देखो माइनस नाइन, एक मिनट को माइनस नाइन और प्लस टू और प्लस सेवन, सात दो नौ, नौ में से नौ हो गया जीरो, है ना। यहाँ देखो छः तीन नौ, नौ में से नौ हो गया जीरो, मतलब इस तीनों को जोड़ रहे हैं, सात दो नौ, उसमें से इस नौ को घटाएंगे तो कितना, ये भी जीरो। यहाँ कितना बचा टू माइनस नाइन और टू सेवन सिक्स और माइनस नाइन। तो डिटर्मिनेंट का क्या देख रहे हो, ऊपर वाला पूरा जीरो हो गया, इसका पूरा वैल्यू जीरो हो गया। किसके कारण जीरो हुआ, एक्स बराबर माइनस नाइन रखने के कारण, है ना। इसका मतलब है कि इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ये ए नंबर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू एक सेवन आएगा, एक टू आएगा और एक कौन आएगा आपका माइनस नाइन आएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में आप ऐसे पुट करके देखिए जीरो आ जाएगा, जिसके वजह से वही इसका थर्ड रूट होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार देखिए। कहता है डिटर्मिनेंट x 833 बराबर जीरो, तो कहता है द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x, अब बीच में माइनस का साइन, ऐसे करोगे कितना हो गया 24 बराबर जीरो। तो 3x इधर, ठीक है, 24 को उधर ले जाओ तो 24, इसका कितना 8 बार में कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 8, एक्स का वैल्यू कौन सा बी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 1 2 4 2 देन 2a बराबर कितना होगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बच्चा क्या करेगा 2a देखा इधर फटाक से 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, आंसर मारेगा ए, बोलेगा सर हम सही से बना करके आए हैं, हो जाएगा गलत। कैसे हुआ गलत, यहां पर ध्यान से देखो,
टू ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो बाहर निकालेंगे तो टू का पावर एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। एन मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, टू क्रॉस टू का है, तो रो भी टू और कॉलम भी टू, तो एन का वैल्यू यहां पर हो जाएगा कितना, टू। तो इधर कितना हो जाएगा, टू का पावर टू डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी फोर ए, है ना। ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, के ए का डिटरमिनेंट बराबर के टू दी पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये पढ़ाए थे हम, ठीक है, प्रॉपर्टीज है। आ जाइए 67 नंबर में है, इफ ए बराबर 1 2 3 4 देन क्या निकालना, ये नहीं पूछ रहा है, कहता है क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। चलो पहले ऑप्शन पर फोकस करते हैं, 67 नंबर में इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 4 है ना, ये है ना 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 4, बीच में माइनस का साइन ऐसे करोगे 6, ये हो गया माइनस 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, जीरो नहीं हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो वो उसमें ए इनवर्स पॉसिबल होगा, मतलब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, क्लियर है। अब चलो 68 में देखते हैं, यहां देखो ध्यान से, इफ आई, ये है हमारे पास आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन आई का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो देखो 2x2 का मैट्रिक्स कैसा होता है, आई का डिटरमिनेंट कितना, 1 0 0 1, है ना, यही तो होता है यूनिट मैट्रिक्स 2x2 का। तो इसको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1, फिर ऐसे करोगे तो -0 1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी नंबर हो गया, है ना। 69 में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो यहाँ देखिए 69 में क्या है, देखिए ये है फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, अरे यार तुम पढ़ेगा क्या, जाओ छुट्टी हो गया घर जाओ। इधर है, ये हो गया फैक्टोरियल 1, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब 2 का फैक्टोरियल कितना, 2 × 1, तो 2 इसको घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाओ, बीच में इंटू देते जाओ। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 1, तो कितना हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 लिखोगे तो कितना हो गया, 4 3 2 1, कितना हो गया, 4 × 3 = 12 उसका फैक्टोरियल 5 भी है, तो आज 5 का कितना लिखेंगे, 5 4 3 2 1, कितना हो गया, 4 × 5 = 20 या 60 × 2 = 120, है ना। बस कुछ नहीं करो, सबका वैल्यू पुट कर दूं, तो 1 के फैक्टोरियल 1 के जगह पर कितना होगा 1, 2 के जगह कितना 2, 3 के जगह कितना निकाले हैं 6, क्लियर है। अब यहाँ 2 का फैक्टोरियल कितना 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल कितना, 3 का फैक्टोरियल देखो 6 होगा। अब यहाँ 4 का फैक्टोरियल कितना होगा जी, तो 24 होगा, है ना। आ जाओ 3 का फैक्टोरियल 6 यहाँ लिखिए, 4 का फैक्टोरियल 24 है यहाँ लिखिए, 5 का फैक्टोरियल कितना है, तो 120 है, तो यहाँ लिखिए, है ना। अब क्या करो, इसको या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो और नहीं तो कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो कॉमन कैसे लोगे, यहाँ देखो कॉमन लेने का सबसे बढ़िया नियम क्या है, कि सब में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर से क्या करो, इधर से बुआ 2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 1 2 6, है ना, यहाँ पर 1 3 और इधर कितना 12 बचेगा, यहाँ पर से 6 कॉमन ले लो। डिटरमिनेंट का रूल है कि किसी भी मैट्रिक्स, सॉरी किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा जी 20 बचेगा, क्या देखो ना 6 × 2 = 12, 20 × 6 = 120, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे पास फाइनली कितना 6 × 2 = 12 हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, R1 - R2 करो, छोटका करो, R1 - R2 और R2 में कर दो, R2 - कितना है इधर R3, नीचे दिख रहा है क्या, एक मिनट पूरा चेक कर ले, यह पूरा दिख रहा है, देखो ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3, तो 1 में से 1 गया तो इधर 0, 2 - 3 कितना हो गया -1, 6 - 12 तो -6, ठीक है, ये -1 है। उसके बाद देखो इस 1 को R2 - R3 करेंगे तो 1 में से 1 गया तो ये 0, 3 - 4 कितना हो गया -1, यहाँ पर 12 में से 20 गया तो कितना बचा -8 बचा, और यहाँ पर लास्ट वाला रो जैसे इसको वैसे भी किया 1 4 और इधर 120, ठीक है। अब यहाँ 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं,
जिधर वाले आपके पास दो वो जीरो रहेगा उधर से, तो पहले वाले से सॉल्व कर दो इधर, तो जीरो माइनस जीरो उसके बाद कितना इधर जी प्लस वन, वन लिए तो सामने वाली को ऐसे और ऐसे छोड़ दो, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करो एट, बीच में माइनस का साइन होगा सिक्स, ठीक है। तो इधर आपके पास कितना होगा ट्वेल्व, ये तो जीरो खत्म, इधर कितना हो गया दो बारह दोनों कितना हो गया इधर चौबीस, कौन सा ऑप्शन है चौबीस नंबर, चौबीस है ये सी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो इधर से इसको इवेलुएट, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री और कॉस कितना है इधर से आपका 80 डिग्री, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा देखो इधर साइन 10 डिग्री इनटू में कॉस 80 डिग्री, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस मिल गया प्लस हो गया, इधर हो जाएगा कितना कॉस 10 डिग्री इन टू में कितना साइन 80 डिग्री, ये कौन सा फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये ए ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए और ये है क्या हमारा बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी मतलब कितना ए हो गया 10 और बी हो गया कितना 80, तो ये हो गया कितना साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आज के क्लास तक हमने आपको पार्ट 7 कंप्लीट करा दिया है, यानी टोटल हमने 70 क्वेश्चन करा दिए आपको बिहार बोर्ड के लिए, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं और यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको ईमानदारी के साथ पढ़िए और अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपडेट आपको मिले, हर तरह का जानकारी मिले, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। Thank you.